कुछ भी आया है तो जल्दी से आ जाइए ताकि हम शुरू कर सकें। हेलो अलका, काजल, बिल्कुल बढ़िया, हर्षित, माधुरी, आदित्य, वंदना, हेमा, नीतू, कृष्णा, सीता, मधु और रवि, राहुल, सीमा। औरंगजेब इस पिक्चर में दिखाया गया सुधाकर नाम के हाथी से लड़ते हुए, सुधाकर नाम के हाथी को कंट्रोल करते हुए। हाँ संजय जी, कैसी है तबीयत माता जी की आपके? हेलो कृतिका, शनवी, औरंगजेब ने कट्टरता की तरफ जाकर के मुगल साम्राज्य को विनाश की तरफ उन्मुख किया। अतिथि स्वीटी, औरंगजेब का जन्म हुआ है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। उज्जैन के पास एक जगह है दोहत और इसका नाम था मुहिउद्दीन। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब मुमताज महल और शाहजहां का बेटा था। चलो देव मित्र, शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी थी क्योंकि ये बहादुर था भी। 5 बेटे इसके हुए, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। तीन पत्नियां थी। चलो चंचल एकता, नवाब भाई मुअज्जम की मां कश्मीरी राजपूत थी। इसको भी जेल में कर दिया था इसने और मार डाला। दिलास बानो बेगम अकबर और आजम की मां, ये ईरान के शाह की बेटी थी, शफी की बेटी थी। इसी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसी की उपाधि थी राबिया उत्तरानी। जॉर्जिया की दासी थी उदयपुरी महल, ये काम बख्श की मां थी। तो ये तीन पत्नियां। अब इसमें अकबर की मौत औरंगजेब के टाइम में ही हो गई थी। एक और थी जो इसकी रखेल थी, हीराबाई। इसकी उपाधि थी जैनाबादी महल। अनीता सपना वैदेही मृणमय नूरुल मौली, तो बड़े टाइम टाइम से आते हो बापी। शिक्षक भी थे इनके, मीर हासिम गिलानी, अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, मुल्ला शेख अहमद, वजीर सादुल्ला खान, शेख अब्दुल लतीफ। पांच पांच टीचरों से पढ़कर के ये पुत्र हो गया। इसकी खासियत ये थी कि नस्तालिक और शिकस्त, ये दो चीजें लिखने में निपुण था। नस्तालिक, और इसको बहादुर की उपाधि मिली थी सुधाकर नाम के हाथी को बस करने के कारण। इस चित्र में ये मुगल पेंटिंग है, इसमें दिखाया गया है कि सुधाकर नाम के हाथी को किस तरह से ये वश में करना है। और ये है औरंगजेब। राष्ट्रीय माधुरी, नस्तालिक फारसी उर्दू या अरबी लिखने की शैली, जैसे तुम्हारा नाम माधुरी है इसको उर्दू में लिखेंगे ऐसे। माधुरी और जैसे एक और नाम ले लो राष्ट्रीय, इसको उर्दू में ऐसे लिखेंगे। अनीता ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम डिफरेंट शैली से भी लिख सकते हैं। सीमा, अब इसको लिखने की और शैली होगी। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली नस्तालिक शैली मुझे भी नहीं मालूम, ये समझाने के लिए उदाहरण है। माधुरी कलात्मक शैली, अरबेस्क में आपने देखा होगा। राष्ट्रीय अनीता सीमा,
तो एक स्टाइल होती है, जैसे इंग्लिश में आप देखते हो ना कर्सिव स्टाइल, इंग्लिश लिखने की अलग अलग स्टाइल्स हैं। कर्सिव स्टाइल अमित को ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे अमित, लेकिन कर्सिव स्टाइल में ये डिफरेंट हो जाता है। ऐसे ही ये लैंग्वेज में लिखने की स्टाइल है, नस्तालिक और शिकस्त। तो सुधाकर नाम के हाथी को वश में करने के कारण इसको बहादुर की उपाधि दी गई थी और दो बार इनका राज्याभिषेक हुआ, 21 जुलाई 1658 ईस्वी और 15 जून 1659 ईस्वी। चलो पूछा, हरिओम। और इनकी राजकीय उपाधि इतनी लंबी थी, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह राज। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह राज। इतना ही नहीं, 5 बेटियां भी थी इनके पास, जेबुन्निशा, मेरुन्निशा, जीनतुन्निशा, बदरुन्निशा, जुबदुन्निशा। हेलो श्वेता जय, एक चीज नोट कर लीजिए, मैं एक नई योजना पे आगे बढ़ रहा हूँ कि 6 बजे क्लास होगी, तो ठीक 6 बजे क्लास होगी, इसलिए आप लोग 10 मिनट तक ज्वाइन ही मत करते, जल्दी आ जाओ। क्योंकि जब इधर में लेट हो जाता है तो उधर भी लेट हो जाता है। 9 बजे होगी तो फिर 9 बजे में शुरू कर दूंगा। ये औरंगजेब का सिग्नेचर है, देखिए ये, और नीचे स्टैम्प है, मुगलिया फरमान एक दिख रहा है। औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कौन बताएगा? वेरी गुड, ताज की शोभा। औरंगजेब का मूल नाम क्या था? आलमगीर नहीं, मुहिउद्दीन, साइन इसी में कहीं होगा, इतना जानकारी नहीं है। आलमगीर और बहादुर नाम नहीं थे, ये उपाधियां थी। शराब नहीं पीता था और बड़ा ही सादा रहता था, ये मतलब ऑर्नामेंटेशन नहीं करता था, इसलिए औरंगजेब को दरवेश भी कहा गया। और कुछ लोग तो इसको, इसकी पूजा भी करते हैं, इसके मजार पे जाते हैं, चादर चढ़ाने जैसे कोई सूफी संत हो। शरीयत में जो जो लिखा हुआ है उसका अक्षरशः पालन करता था। इस गुण के कारण इसे कहा गया जिंदा पीर, शरीयत का अक्षरशः पालन। पूरी कुरान इसको याद थी मुजबानी, और जिसको पूरी कुरान याद रहती है ऐसी मान्यता है कि खुदा उनकी रक्षा करता है, और उनको ऐसे ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं वो भी दूसरों की रक्षा कर सके, हिफाजत कर सके इस्लाम, इसलिए इसे कहा गया हाफिज। हाफिज यानी हिफाजत करने वाला, जैसे कहते हैं ना खुदा हाफिज, खुदा आपकी हिफाजत करे। और सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी में बात करता था, फारसी में नहीं। ही यूज टू स्पीक हिंदी एंड ही स्पीक वेरी गुड हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसके गुरु थे मीर मासूम, गुरु तो मासूम थे लेकिन ये खतरनाक निकला। पहला मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक, और दूसरे राज्याभिषेक में यूरोपीय भी शामिल हुए थे। इन यूरोपियों को 8,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया था। जब ये बादशाह बना तो इसकी उम्र थी 40 साल। लेकिन अपने बाप को मार करके ये बादशाह बना था। इसके पहले ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ने अपने बाप की, बाप के जिंदा रहते ही बादशाहत ली। इसने अपने बाप को कैद करके बादशाहत ली थी। चगताई परंपरा के खिलाफ था वो मंगोल परंपरा जिसमें मुगल आते थे, वो परंपरा इसको अप्रूव नहीं करती थी।
यही वजह है कि जब इसकी ताजपोशी होनी शुरू हुई तो दिल्ली के काजियों ने इसके सर पर ताज रखने से मना कर दिया। एक करप्ट मौलवी को ढूंढा गया कि इसकी ताजपोशी करे। उस करप्ट मौलवी का नाम था अब्दुल वहाब, गुजराती। क्योंकि टेक्निकली ये सुल्तान बादशाह बनने योग्य नहीं था, इसने औरंगजेब का राज्याभिषेक किया और इसको इसका इनाम नहीं मिला, इसको चीफ जस्टिस बना दिया गया, काजी उल कुजात। बाद में पता चला कि ये चोरी से शराब पीता था, अपना निजी व्यापार करता था। औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब खुद भी शराब नहीं पीता था, इतना तो था उसके अंदर। और एक समय आया कि जब गोलकुंडा के अभियान पे था औरंगजेब, तो उस अभियान के अंतर्गत औरंगजेब ने इसको मना किया कि ये सब गैर इस्लामिक हरकतें ना करो। काजी अल-कुजात को ये शोभा नहीं देता कि अपना पर्सनल ट्रेड करें शराब पिए। इसने औरंगजेब के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया। तो ये शुरुआती जानकारियां हैं औरंगजेब के बारे में। अभी को आ रही है मुन्नू, फतवा क्या होता है? फतवा तो मैंने इतनी बार बताया, तुम्हारा भी बंगाल सेट निकल गया ना, इसीलिए लेट से आती हुआ है। सोच रही थी कि नेट निकले ना, सेट तो वही है, सेटिंग तो वही जाएगी बंगाल में। एटलीस्ट फतवा होता है इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है। इस्लाम यानी शरीयत क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, उसकी रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है उसे कहते हैं फतवा। एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है जेबुन निशा का, जेबुन निशा की मुगल पेंटिंग है। अरे वाह मुन्नू, वेरी गुड, चिंता न करो, तुम्हारा शंकर जरूर रंग लाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में सेट नहीं होता है, सेट में लगभग सेम ही होता है, डेफिनेटली आशीर्वाद तो है ही है। जेबुन निशा मुगल काल की सबसे जहीन महिलाओं में इसका नाम आता है, इंटेलिजेंट। दिल्ली में इसने लाइब्रेरी बनाई थी, बैतुल उलूम नाम, और ये भी हाफिज देश ने भी कुरान याद कर दिया था। औरंगजेब ने बल्कि इसे शर्त लगाई थी कि अगर तुम कुरान याद कर लोगी तो 30,000 सोने की मोहर देंगे। और इसने कुरान को कंठस्थ कर लिया और शर्त जीत ली। लेकिन इसकी मूल प्रसिद्धि यह है कि ये गणित और मैथमेटिशियन थी, बेसिकली खगोल की विदुषी मिला थी, खगोल इसको एस्ट्रोलॉजी आता था। और औरंगजेब तो शिकस्त और नश्त नश्त लिखता था, ये तीन लिपियां लिखने में माहिर थे। शिकस्त, नश्त और नश्त लिख। अभी आ गया। और इसकी प्रसिद्ध रचना है दीवान ए मख्फी। मख्फी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, गुप्त।
लेकिन आपको ये पता होगा, आगे पता चलेगा कि अकबर जो औरंगजेब का बेटा था उसने बगावत कर दी थी। हाँ, मक्फीन उपनाम से कविताएं जहां भी लिखा करती थी। तो इसने अपने भाई की हेल्प की थी। तो इसके पिता ने इसको जेल में डाल दिया और वहीं जेल में ही इसकी मौत हो गई। औरंगाबाद में रहती थी, औरंगाबाद में इसका बकायदा महल भी है। ये औरंगाबाद में जेबुन्निशा का महल अभी भी है। लेकिन अपने भाई के हेल्प करने के कारण इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो औरंगजेब ने तो बाप के माध्यम से ही गद्दी पाई थी, लेकिन जनता का हृदय जीतने के लिए इस चीज को प्रिटेंड किया कि वो इस्लाम की सेवा कर रहा है। और इस्लाम की सेवा करने के कारण वो भाई भतीजावाद माता पितावाद नहीं देख रहा है, रिश्ते नाते उसके लिए निर्मूल है। और उसने फटाफट शरीयत को अपना आधार बनाया बनाया अपने शासन का। और शरीयत में वो सारे टैक्सेस जो मेंशन नहीं थे, ऐसे टैक्स को काउंट किया। 80 प्रकार के कर मुगल एम्पायर में ऐसे थे जो शरीयत में उल्लिखित नहीं थे। इन 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। इन करों में बहुत सारे कर थे, जैसे राहदारी, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, पानदारी, टोल टैक्स, अबबाब, मतलब भूमि कर के अतिरिक्त सारे कर। इसके बाद शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, भांग की खेती, इनको भी बंद करवा दिया। इस्लाम के अनुसार लोग आचरण करें इसके लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की, मुहत्सिब। मुहत्सिब का काम होता था कि राज्य में देखना कि इस्लाम के अनुकूल लोग आचरण कर रहे हैं कि नहीं। पहला मुहत्सिब था समरकंद का निवासी मुल्ला औजावाजी। मुल्ला औजावाजी दरबार के लिए भी नियम इसने बनाए, चेंज किए कि जब भी दरबार की कार्यवाही हो अमीरों को बैठने की इजाजत नहीं। 1683 ईस्वी में इसने नियम बनाया कि 2000 से नीचे रैंक के जो मनसबदार हैं उनको जब भी बादशाह से छुट्टी लेना हो फातिहा पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं। 1693 में ये आदेश जारी किया कि अमीर जब भी दरबार में आए तो ये सुनिश्चित करना है कि लाल रंग की पोशाक पहन करके दरबार में आए, क्योंकि लाल रंग होता है किस चीज का प्रतीक। फरियाद। किसी ने पूछा नहीं फातिहा क्या होता है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد بارك في سلم الله ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين کیا نور ہے صحیح تم کو آتا ہے
इसके अलावा इसने बहुत सारी परंपराओं को भी बंद करवा दिया, जैसे झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्यों बंद करवा दिया, क्या बिगाड़ा था झरोखा दर्शन ने इसका? क्योंकि झरोखा दर्शन में किसी इंसान की बंदगी का भाव, उस इंसान के महान ग्रेट होने का भाव, जो झरोखे में अपीयर होता है और प्रजा नीचे से उसको सलाम करती है, दर्शन देती है, तो ये कहीं ना कहीं खुदाई को चैलेंज करने वाली बात। इसका मीनिंग اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم على الله العلي الله العظيم الله 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 نون سبحان رب رب العزت اما يسكون سلام على المرسلين بفضل الله رب العالمين اس کا ارتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جان بوجھ کر بھول جو غلطی ہوئی اس کو معاف عطا فرمائے اور اپنے جناب میں قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کی روح کو عطا فرمائے اگر کسی خاص ولی کا فاتحہ ہو تو اس کا نام لینا پڑتا ہے हाँ फतिया पढ़ा जाता है सबको में पढ़ा जाता दरबार की कार्यवाही जब शुरू होती थी तो उसमें पहले फातिहा इसलिए पढ़ा जाता था फातिहा एक तरह से भूल कहते ना कि आई एम सॉरी टू से बट दरबार की कार्यवाहियों में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती थी जो बाद में पता चलता था कि ये तो गलती होगी हाँ डिस्क्लेमर टाइप कह लो तो पहले फातिहा पढ़ लिया जाता था भाई हमसे कोई भूल चुको तो माफ कर देना झरोखा दर्शन इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि कहीं कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली भावना के खिलाफ था अब कुछ झरोखा में निकल रहा आप उसको सजदा कर रहे हो प्रणाम कर रहे हो जय जयकार कर रहे हो तो ये तो कहीं ना कहीं उसको छोटे स्तर पे भगवान मान रहा ना महान मान रहा लेकिन खुदा के अलावा कोई अल्लाह है ही तो और ये भी है कि बंदगी आप उसी सभी की बंदगी नहीं करनी चाहिए उसकी बंदगी एक ईश्वरवाद एक ईश्वरवाद एक ही खुदा उसी के सामने झुकना बाकी किसी के सामने नहीं झुकना और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इसका शोषण होता है बहुत सारे हिंदुइज्म में देखो इतने देवी देवता है सबकी पूजा चल रही है सब लड़ाई कर रहे हैं आपस में तो इसलिए पैगंबर ने सिस्टम बनाया था कि एक के सामने झुकना है बाकी झुकने योग्य है ही नहीं क्योंकि उसको हजार खुदा खड़े कर लोगे सबके सामने झुकोगे बाद में उसके बहाने लड़ोगे हर धर्म में लड़ाई चल रही है दिगंबर श्वेतंबर से लड़ रहा है हीन यानी महायानी से लड़ रहा है शैव वैष्णव से लड़ रहा है हर जगह डिवीजन इसलिए झरोखा दर्शन को गैर इस्लामिक करार दिया गया लेकिन झरोखा दर्शन ये ईरानी परंपरा है फारसी सूर्य फारस में सूर्य अग्नि का बड़ा इंपॉर्टेंस है सूर्य निकलता है सब उसको दर्शन देते हैं सब उसको प्रणाम करते हैं कहीं कहीं ये कॉन्सेप्ट उसी से लिया गया है नौरोज जो ईरान का हैप्पी न्यू ईयर है इसको भी बंद करवा दिया गया क्योंकि ईरान का न्यू ईयर का यहाँ क्या काम ये भी शरीयत में नहीं था राजपूतों द्वारा तिलक लगाया जाना एक समथिंग रिलीजियस ये भी कहीं ना कहीं राजपूतों को डिवाइन घोषित करता है तिलक लगाने का मतलब समथिंग डिवाइन कुछ दिव्यता सिक्कों पर कलमा खुदवाना कलमा ही जो मैंने आपको बोला ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है जगत में और पैगम्बर उसको बताने वाला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये चीज सिक्कों पर लिखी रहती थी और कभी कभी होता था वो सिक्का जमीन पे गिर गया उस पर पैर आ गया नाली में गिर गया हम तो बचपन में फिर तो सिक्का मुंह में ही डाले रहते थे ऐसे घुमाते रहते थे परपेंडिकुलर की तरह ये वो बच गया अंदर नहीं गया ऐसे भी केसेस कुछ लोगों ने सिक्के निकल भी लिए इसलिए इसको बंद कर दिया दरबार में संगीत का आयोजन बंद कर दिया गया संगीत को इस्लाम में माना गया है विलासिता से छोड़ा गया संगीत एक विलासिता का साधन है खाली है तो बची कैसे बाहर कैसे निकला हाँ तुम्हारा नाम अकारण थोड़ी ना पड़ा चंचल अच्छा सिक्के का पेड़ होगा वेरी गुड पेड़ पेट में होता है पेड़ बाहर होता है किसने तुमको सब किसी ने तुमको उनके गाइड किया म्यूजिक के दो उपयोग है म्यूजिक आपकी ऊर्जा को निम्नगामी भी करता है संगीत आपकी ऊर्जा को ऊपर भी उठाता है जो भारतीय संगीत है शास्त्रीय संगीत है
वो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। ये सूफियों का संगीत है, समा कव्वाली। अभी मैं आज दोपहर में काम करता था लैपटॉप पे, तो नुसरत फतेह अली खां का मैं कव्वाली सुन रहा था, तो उसमें एक ही लाइन जो है इतना बार रिपीट करते हैं। कि आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है। संगीत एक माध्यम है और संगीत के माध्यम से आप उच्चतर आयामों में प्रवेश कर सकते हैं। भारत में तो हर प्रहर के लिए एक संगीत हुआ करता था, जितने भी पहर होते हैं दिन में रात में मिला करके ना, उसमें वो संगीत बजा करता था। जो संगीत आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है उसे कहते हैं, सूफियों ने उसको कहा है समा। एक और संगीत अभी निकला जो तमिल वर्जन है पुष्पा का, चुस्ता चुस्ता, पता नहीं कौन सा। मैंने अभी एक दो दिन पहले ही उसको क्या है, ओके, कोका कोका चुस्ता चुस्ता है ना, ऐसे कुछ। वो संगीत सुन लो तो आपकी उठी हुई ऊर्जा भी नीचे चली जाए। और तो फेसबुक पे एक अंग्रेज महिला उसको गा रही है बड़ा अच्छे से। पहले तो मैं समझा ये कोई ताइवान वगैरह का है, मतलब यूक्रेन वगैरह का है। यूक्रेन वाले इतना बम्बार्डमेंट झेल करके पागल हो गए, कुछ भी जा रहे हैं। बाद में पता चला ये तो साउथ इंडिया का है। थोड़ा सा मैं रिसर्च किया। श्री प्रभुपाद जी द्वारा वेस्ट में चलाए में हरे राम हरे कृष्णा नेम के आंदोलन, भगवान कृष्ण की भक्ति के संगीत ने कई वेस्ट लोगों को जीवन में अध्यात्म के अंतर्गत ऊपर उठने का काम किया। डेफिनेटली हरे राम हरे कृष्णा का वो निवार की सड़कों देखो डांस करते हैं, बदंग बजाते हैं हरे राम हरे कृष्णा। अगर आप बड़े दुखी हो परेशान हो ना, आप कमरे में अपने आप को बंद कर लो और ताली बजा बजा के बस हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे 15-20 मिनट गा लो, देखना 20 मिनट में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, उस डायमेंशन से आप बाहर निकल जाओगे। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, लेकिन पूरे दिल से गाना है उसमें। ऐसा नहीं कि शर्मा शर्मा जी पड़ोसी सुनना लगे, पूरे धुन में समर्पण भाव से गाना, उस संगीत का उपयोग है बाहर निकलने में। हाँ तो गा के देखो एक बार। दरबार में संगीत गायन पे प्रतिबंध, क्योंकि दरबार में संगीत ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए नहीं था, नीचे ले जाने के लिए। दरबार में क्या मुजरा होता है, नर्तकियां नाचती हैं, वेश्याएं नाचती हैं, अश्लील संगीत। ज्योतिष पर प्रतिबंध लगा दिया, क्षति प्रथा पर तो लगाना था, दास प्रथा पे भी लगाना था, तुलादान पे भी प्रतिबंध लगा दिया। तुलादान भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुदा के समकक्ष खड़ा करता है। एक तराजू पे बादशाह रहता है, दूसरे तराजू पे बादशाह के वजन के बराबर धन दौलत रखी जाती है, उसको गरीबों में बांट दिया जाता है। तो ये फीलिंग आती है कि बादशाह ही खुदा है जो देने वाला है, लेकिन देने वाला तो बादशाह नहीं, देने वाला तो खुदा है। तो ये प्रकारांतर से खुदा घोषित करने की छद्म प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया। और सूर्य पंचांग की जगह अरबी चंद्र पंचांग शुरू किया गया, जो हिजरी कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। और जो अकबर ने इलाही कैलेंडर चलाया था सूर्य की गति पर आधारित, अकबर ने जो इलाही कैलेंडर चलाया था इसका आधार था कि अकबर कृषि सुधार करना चाहता था और कृषि व्यवस्था में उसने उल्लेखनीय सुधार किए भी। इसके लिए सूर्य की गतियों से मौसम संचालित होता है, इन मौसमों के संचालन से कृषि की प्रक्रियाएं संचालित होती है, इसलिए उपयोगी था। लेकिन अरब का हिजरी कैलेंडर भारत में उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन इसलिए इसने औरंगजेब ने लागू किया, क्योंकि जो शबे बारात ईद बकरीद ये सब चीजें ना इसी से पता चलती है, रमजान जुम्मा। अरे वाह सुनो, मेरे 200 साल पुराना। मस्जिदों का निर्माण किया गया इमाम और मुअज्जिन की नियुक्ति की गई। खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है तो जैसे लग रहा है किसी संत की मजार है, फूल वगैरह बिखरे हुए। हालांकि संत नहीं था ये, अंट संत था। संत अपने भाई और बेटी और माँ को मारता नहीं। मुरुद तो बोल सकते, मैं तो तुमको एक और आता था स्वप्निल, वो भी चला गया था। नाम से महापुरुष लग रहे थे। तो इन सबों के कारण मैंने आपको बताया, लेकिन
अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। इन्होंने देखा था क्या कि औरंगजेब बनना चाहता है सन्यासी, ये जालिम दुनिया उसको बनने नहीं दे रही। आशीर्वाद तो पुरुष स्त्री देखकर थोड़ी ना दिया जाता है, तो है ही है। काफी खां ने भी इसके बारे में लिखा है कि ये डरता किसी से नहीं था, सिर्फ अपने गुनाहों से डरता था। और गद्दी पाते इसने मंदिरों को नष्ट करवाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुजरात का चिंतामणि मंदिर था जिसको इसने नष्ट करवाया, और इसका बेटा साउथ इंडिया में अपॉइंट था। बिना इसको बताए इसने गोलकुंडा और बीजापुर से कुछ संधियां कर ली, जैसे इसने किया था। इसको हमेशा ही डर लगी रहती थी कहीं मेरा पाप मेरे पर लौट के ना आए, मैंने जो बाप को कैद किया कहीं मेरे बेटे ने बाप मुझे कैद करके गद्दी पे बैठ जाए, क्योंकि अपने भी इसने वही काम किया था। तो बड़ा बेटा इसका मुअज्जम था ना, अब मुअज्जम इस प्रयास में लगा भी हुआ। जैसे ही इसको पता चला इसने 12 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया। इस बेचारे की जवानी जेल में ही कटी। अपने दरबारियों के लिए इसने नियम बनाया कि दाढ़ी की लंबाई जो है ना वो दरबारियों के अंगूर से 4 अंगूर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 अंगुल निकल गया तो सर कलम कर देंगे। और दरबार में ना पाता था, ऐसा शरीयत में लिखा हुआ है। चिश्ती सूफी संत इसके टाइम के थे कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह ने शरियाम घोषणा की कि ये बादशाह नहीं है, पीर वीर कुछ नहीं है, एक नंबर का पाखंडी है। चार अंगुल वाला नियम नहीं है उसमें। तो औरंगजेब ने ऐसा किया, 4 अंगुल दाढ़ी रखने के पीछे खास कारण यही हो सकता है कि सफाई रहेगी, मतलब हाइजीन मेंटेन रहेगा। जैसे मूंछ नहीं रखते ना, तो मूंछ नहीं रखने के पीछे रीजन ये होता है कि मूंछ अगर होती है तो कुछ खाने पीने में वो मूंछों में अनहाइजीन क्रिएट होता है। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सर दाढ़ी के बारे में बोल रहे थे, औरंगजेब के बारे में।
वो सर वो सुनने थे कि दाढ़ी को पकड़ने के बाद एक मुट्ठी दाढ़ी को पकड़ करके और एक उंगली नीचे को लगाने के बाद तो लगभग सारी उंगली हो ही जाती है, उतनी लंबी दाढ़ी है सुन्नत है रखना। और सुन्नत तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, नहीं सुन्नत वो जो हबीब अल्लाह अस्सलाम जो मतलब मोहम्मद साहब जो किए थे जो जो काम किए थे तो उसी को करना है जी। तो इसीलिए मतलब बादशाह थे और पढ़े लिखे भी, पढ़े लिखे भी होंगे, शरीयत में लिखते नहीं है मतलब शरीयत में, अब शरीयत तो उतना नहीं पढ़े हैं लेकिन ये जानते हैं कि ये सुन्नत है कि एक मुट्ठी दाढ़ी को एक मतलब एक उंगली इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, ये सुन्नत शरीयत में है। ठीक है सर, आप भी बोले सही है कि चार उंगली या एक मुट्ठी एक उंगली बात बराबर है। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ सुन्नत जो पैगंबर ने कुछ किया वही मैं शरीयत बोल रहा हूँ, तो शरीयत मेरे सामने ही खुली हुई है कि कहाँ लिखा हुआ है। हजरत हिंद बिन हाला रजी अल्लाह अन्ना से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में बहुत ज़्यादा बाल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक नहीं थी, दाढ़ी में खिलाल भी किया करते थे और कभी कभी इसमें मेहंदी भी लगाते थे। खुल्फाए राशिदीन और दूसरे शहाबा से दाढ़ी मुबारक का तस्करा अहादीस की किताबों में मौजूद है लेकिन मसनूद के खिलाफत से बचने के लिए उनका तस्करा नहीं था। और मुद्दा है कि अहादीस की किताबों में मौजूद है लेकिन मजमून के खिलाफत से बचने के लिए उनका तज़किरा नहीं कर सकता। तो मुद्दा यह है कि और मुद्दा है कि नेपोलियन का साथ था, नेपोलियन का तुलना होने दे अभी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा आज मैंने एक नया चीज देखा, आपके स्क्रीन पर एक कैमरा नीचे लेफ्ट साइड में बना होता है उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी ने मुझे ये बताया स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते। भारत में औरंगजेब को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा कि इस्लामी कानून का ज्ञान हो, इसके लिए कोई बुक नहीं थी इंडिया में, सभी लोग अरब की किताब पढ़ते रहते थे और बहुत सारे कानूनी स्कूल हैं इस्लाम में। एक जो सबसे पॉपुलर धारा है वो है हनफी फिक। इस हनफी फिक से उसने भारत में कानूनी धाराओं को संकलित करवाया फतवा ए आलमगीरी में। और ये भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम कानून की पुस्तक है। और मनसबदारी व्यवस्था में इसने मशरूत सिस्टम शुरू किया, इसके बारे में मनसबदारी में बात करेंगे। एक और इनका डेवलपमेंट है कि ये अखबार जो निकलते थे ना मुगलों के, अखबारात इसने बंद करवा दी। अखबार से दरबार में क्या हो रहा है इसकी सूचना जनता को मिला करती थी और पूरी दरबारी कार्यवाही को इसने गोपनीय बना दिया। हाँ नोट्स में रहता है तो बाद में आप देख सकते हो ना अपने नोट्स।
इसके बाद साम्राज्य विस्तार। अब इस मैप में आप ध्यान से देख सकते हैं कि अकबर ने ये जो येलो शेडेड रीजन है इसको ऐड किया था मुगल साम्राज्य, और ये जो रेड शेडेड रीजन थोड़ा सा डार्क शेडेड दिख रहा है ये औरंगजेब ने ऐड किया था। कूच बिहार 1661 ईस्वी में अधिकार किया और इसकी राजधानी का नाम रखा आलमगीर नगर। असम पर भी अधिकार किया इन्होंने, असम यहाँ पे 1662 में। असम के राजा थे शान वंश के जयध्वज, लेकिन मौसम जैसे ही बदला असमियों ने इसे फिर से इनकार कर लिया। फिर एक और प्रयास किया गया 1670 में, असम पर मुगलों का स्थायी अधिकार आ गया। सबसे परेशानी का सबब थे पुर्तगाली, समुद्री डाकुओं से मिलकर के पुर्तगाली उत्पात मचाते थे और कोई भी समुद्री मार्ग या पुर्तगालियों से बचा हुआ नहीं था। औरंगजेब ने मुगल नौसेना का गठन किया, ढाका की सुरक्षा के लिए जहाजों का निर्माण किया। ढाका यहाँ खासकर बंगाल के नौसैनिक बेड़े को शक्तिशाली बनाया। चटगांव पर अधिकार कर लिया गया 1666 ईस्वी में और चटगांव का नाम बदल करके औरंगजेब ने रखा इस्लामाबाद। यही समय था जब अंग्रेज सक्रिय थे, भारत में अपने पैर पसार रहे थे। में शुजा शाह शुजा कौन था? शाहजहां का दूसरा बेटा मुमताज महल का और बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इस पापी ने पूरे बंगाल में 3000 रुपए के बदले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी। यहीं से भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब यहां अंग्रेज भारतीयों को परेशान करने लगे। शिकायत ऊपर गई। 1685 में मुगल सेना ने कासिम बाजार पर अंग्रेज की जो कोठी थी उस पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेज चले भाग के गए हुगली। मुगल सेना ने इनको हुगली से भी खदेड़ दिया। अंग्रेज भागे सुल्ताना थी यहां से भी खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने बालासोर को लूटा। चटगांव पर अधिकार करने का प्रयास किया। औरंगजेब को गुस्सा लग गया कि ये भाग रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत देखो, भागता हुआ कहीं अधिकार करता है, जान बचाता है। और औरंगजेब ने आदेश दिया कि इनकी जितनी भी फैक्ट्रियां वहां खुली सबको तोड़ो। अंग्रेजों को शायद मुगलों की ताकत का अंदाजा नहीं था। दो मिनट में घुटनों पर आ गए। चित्र में दिखाया गया है कि ये घुटनों पर आके रहम की भीख मांगे। और अंग्रेजों को उनकी व्यापारिक सुविधाएं वापस कर दी गई। एक और एपिसोड है, उत्तर पश्चिम में बहुत सारी जातियां हैं जैसे यूसुफ जई, अकबर के ही टाइम से ये मुगलों के खिलाफ बगावत करती रही। अफरीदी, खटक, गिलजई,
ये हमेशा ही पकड़ा था तुमसे इलाके में। बीरबल तो इसी चक्कर में मारा भी गया था 1675 में। औरंगजेब ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। और यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया अमीन खान को। अब मुगल एम्पायर नॉर्थ वेस्ट में भी काफी दूर तक फैल गया। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 साल तो उसने शासन किया और इन 50 सालों में 26 साल दक्षिण भारत में युद्ध करता रहा। लेकिन इसकी मुख्य उपलब्धि थी बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाना। दक्षिण में इतना फोकस इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी। पागलपन नहीं था कि पूरे भारत को जीत लेना है किसी तरह से, ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत को अगर ये कंट्रोल नहीं करता तो दक्षिण भारत में जितने भी मुस्लिम राजवंश थे वो सारे शिया थे, सब बहमनी एम्पायर से निकले हुए थे। गोलकुंडा, बीजापुर, बरा, बीदर, खानदेश, अहमदनगर, है ना, ये सारे शिया थे। शियाओं की शक्ति अगर बढ़ जाती तो बहुत बुरा। अब एक नया पावर सेंटर ऑफ पावर क्रिएट हो जाता साउथ इंडिया में एंड मामला शिया वर्सेस सुन्नी का हो जाता। अभी तो मामला हिंदू मुस्लिम का है। हिंदू मुस्लिम का मामला आसान है, मुसलमानों को तो कहा जा सकता है कि ये काफिर है मारो, सेंटिमेंटल बेनिफिट लिया जा सकता है। और इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया भी, बाबर ने, हुमायूं ने, गाजी की उपाधि, खुद इसने भी अपने भाइयों को मारा, ये ड्रामा कर। लेकिन अगर सियाओं से लड़ाई लग जाएगी तो ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो पहली सोच तो दक्षिण भारत में संघर्ष की इसकी ये थी। दूसरा एक और सेंटर ऑफ पावर पैदा हो रहा था, हो चुका था इनफैक्ट मराठी। मेरी अपनी सोच है कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करते। पाप भी वही कर रहा है, पुण्य भी वही कर रहा है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किसी की हत्या हो रही है तो वही कर रहा है, किसी की प्रशंसा हो रही है तो वही कर रहा है। प्लेयर तो एक ही है, हमें बीच में भ्रम हो जाता है कि हम करने वाले हैं। ये भ्रम जितना जल्दी कोई छोड़ देता है उसी समय वो ज्ञानी हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ, जितना भी मैंने अभी तक की अपनी लाइफ देखी है, मेरे डिसीजन से नहीं कुछ हुआ, अपनी मर्जी के कहा अपने शक्कर के हम हैं। रुख हवा का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम। कर्म इको होता है लेकिन कर्ता की भावना जब तक है तब तक सदकर्म भी और दुष्कर्म में ज्यादा अंतर नहीं। ये बड़ी गहरी बात है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, अपने अनुभव से आएगी। मैं बहुत डीप जाकर के जब एनालिसिस करता हूँ तो मुझे दारा शिकोह और औरंगजेब में कोई फर्क नहीं दिखता। ये दोनों रिमोट किसी और के हाथ में है, दे आर पपेट, चला कोई और है। मैं भी पढ़ रहा था, आईने अकबरी पढ़ रहा था कल, वहां मैं पढ़ रहा हूँ कि हेमू पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई है, हेमू हाथियों पर बैठ, बहुत बहादुर है। ये अबुल फजल लिख रहा है, बहुत बहादुर है, बहुत वीर योद्धा है और हेमू बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, बुढ़ा है, हाथी पेड़ पर बैठा है। पता नहीं कहाँ से एक तीर आकर के उसके हाथ में लग के आर पार हो गया, पीछे निकल गया, यहाँ से घुसा देते हैं। और फिर कोई उसकी हाथी पे चढ़ जाता है उसकी महावत को मारने के लिए। महावत कहता है कि भाई हेमू, अच्छा उसको नहीं आइडिया है कि हेमू इसी हाथी पे बैठा है। महावत ही उसको बताता है कि पीछे मेरे हेमू बैठा है, इसको मारने आया, मुझे क्यों मार रहे, मैं तो ड्राइवर हूँ। तो वो फिर हेमू को पकड़ करके उसके हाथ में तीर लगा, उसको पकड़ के नीचे उतरता है बैरम खां के पास। बैरम खां अकबर से कहता है कि ऐसा है, इसका शर कलम कर दीजिए और गाजी बन जाइए। और ये बहुत बड़ी बात है, काजी
अकबर उसको देखता खून से लथपथ है, उसमें लिखा हुआ है। अकबर कहता है नहीं नहीं किसी के इतने घायल है, इसको मार के मैं गाजी क्या बनूंगा, बाजी बन जाऊंगा, ये सब काम नहीं करूंगा, किसी को मरे हुए को मारना, बेचारा बूढ़ा आदमी है, आंख में वैसे ही अलटती घुसा हुआ है। तो बैरम खां फटाफट अकबर से तलवार लेकर उसका सर काट देता है और घोषित कर देता है कि बादशाह सलामत हमारे गाजी हैं, अल्लाह अकबर। सब चिल्लाने लगते हैं, सैनिकों को नहीं पता किसने मारा, सब समझते अकबर नहीं मारा। ये अबुल फजल ने लिखा हुआ है कि अकबर ने नहीं मारा, अकबर ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। हमको इस पूरे एपिसोड में ये नहीं समझ में आया कि चलो ठीक है बाकी तो सब ठीक है, वो तीर कहां से आकर के घुस गया उसके अंदर। ऐसे ही जयचंद के साथ भी हुआ था, ये जो बीच में तीर आ जाता है ना, ये इंसान का तीर नहीं होता, ये ऊपर वाले का तीर, करने वाला वो है। और हर लड़ाई में देखना कुछ अनहोनी घटना घटती जो पासा पलट देती है। तो अभी तक तो मेरा कंक्लूजन यही है कि वी आर जस्ट परफेक्ट, और इन बिटवीन हमें भ्रम होता है कि हम करने वाले नहीं। नो, एक कहानी, एक सूफी कहानी है कि कई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो एक मार्बल का पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ था, तो बच्चे खेलते हुए आ रहे थे, तो एक बच्चे ने उस पत्थर, मार्बल व्हाइट होता है, चिकना होता है, तो मार्बल का पत्थर बच्चों ने उठा दिया। तो पत्थर सोच रहा है, देखो मेरी इज्जत, मेरी शान, देखो मैं जमीन पर रहने लगता हूँ, मुझे तो मेरी पूजा होने वाले दिनों में। फिर बच्चे वो पत्थर उठा के ऐसे ऐसे खेल रहे। फिर उस बच्चे को कहानी का दिमाग में आया और वो मार्बल का पत्थर उछल रहा, तो मार्बल सोच रहा है कि ये देखो कितने आनंद है मेरे जीवन में, मुझे खिलाया जा रहा है। और फिर वो बच्चा मारता है वो पत्थर, किस खिड़की को तोड़ देता है उस पत्थर से। तो जब बच्चा पत्थर को फेंक रहा है, तो सोच रहा है चलो थोड़ी लंबी दूरी पे चलते हैं, जमीन पे भटकते हुए तो वर्षों बीत गए, थोड़ा आकाश की यात्रा करते हैं, उड़ते हुए जाते हैं। उस उड़ने में वो सोच, फिर वो कांच की खिड़की से टकराया, कांच टूट गया। तो वो सोच रहा है कि देखो, देखा मेरे सामने, मेरी राह में आने का क्या नतीजा निकलता है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जहां पनाह की राह में जो आएगा वो चोर चोर हो ही बिना नहीं रह पाएगा, मैं कहता था कि मेरे सामने मत आना। और वो जाके नीचे कालीन में गिरा, किसी के घर में कालीन में गिरा, तो सोच रहा है कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, काफी थक गए, ईंट से ईंट बजाती, दुश्मनों को हरा दिया, काफी दूर से आ रहे हैं थके हुए। तो डस्टिंग करते हुए नौकरानी घर की आ रही थी, उसने देखा कि कांच का शीशा टूटा हुआ है, पत्थर नीचे पड़ा हुआ है, तो नौकरानी क्या करेगी, पत्थर को उठाएगी और बाहर फेंकेगी। तो नौकरानी ने पत्थर को उठाया, बुरा भला कुछ कहा, तो वो जब उठा रही नौकरानी, तो पत्थर सोच रहा है कि अभी हाँ नई सेवा खातिर मेरी शुरू होगी, और जहां अपना खुदा है तशरीफ लाए हैं तो उनकी इज्जत बनती है, खैर मकदम होगा मेरा। और नौकरानी ने दो चार गालियां देकर पत्थर को फेंका और वो छपाक से जाके नीचे नाली में गिरा। तो जब फेंक रहा था तो सोच रहा था वो थोड़ा सा उल्टी यात्रा पे चलते हैं, दुनिया वालों को मेरी बड़ी जरूरत है, बहुत सारे गिरे हुए को उठाना है, बहुत सारे नीचे गए को ऊपर उठाना है। और छप से जब नाली में गिरा तो सोच रहा है कि काफी थक गया हूँ, धूल धमास हो गया है, वर्षों से यात्रा नहीं कर रहा, थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम अपनी कहानी बनाते जाते हैं, अब वो हमारे डिसीजन से नहीं रहा, किसी और डिसीजन से हो रहा है। तो ये पहला, दूसरा मराठा, मराठों को कंट्रोल करना था, तीसरा साउथ इंडिया, पूरा का पूरा ये जो बेल्ट था, ये बेल्ट और ये बेल्ट, ये सब यूरोपियन से मिला हुआ था, एक तीसरा सेंटर ऑफ पावर क्रिएट हो रहा था, इनको कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए वो साउथ इंडिया में लगा था। तो पहले बीजापुर में आदिल शाह, आदिल शाह को जीतने के लिए पहला अभियान जसवंत सिंह और शाइस्ता खां के नेतृत्व में, दूसरा अभियान 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह और मुअज्जम के नेतृत्व, जय सिंह ने शिवाजी से भी पुरंदर की शम देखी लेकिन आदिल शाह को नहीं हराया जा सका। तीसरा खां बहादुर खां ने किया, तीसरा अभियान 1672 ईस्वी में, ये भी हार गया। चौथा अभियान 1685 ईस्वी में, आजम खां और औरंगजेब दोनों गए, तब जाके इसको, बीजापुर को मुगल एम्पायर में मिलाया जा सका। और इसी तरह से तमाम छल करने के बाद 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा का सुल्तान था अबू हसन, इसको हरा करके मुगल एम्पायर में मिला लिया। लेकिन चलो ये बीजापुर गोलकुंडा में, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन थे मराठे, ये पहले निजाम शाही के नौकर थे, फिर बीजापुर के नौकर हुए, फिर इनके पिता शाहजी भोसले ने रामगढ़ का, रामगढ़ किला बनाया,
फिर इनके बेटे शिवाजी ने चांदन को नन्ना जावली पुरंदरपुर ऐसे बहुत सारे किले जीत लिए। अफजल खां को हरा करके पन्हाला कोंकड़ कोल्हापुर औरंगजेब तो परेशान हो गया इनकी बढ़ती हुई गति देख करके, अपने मामा को भेजा शाइस्ता खां को कंट्रोल करो। शाइस्ता खां ने कोशिश भी की मराठे हारे और पूना चाकन और कल्याण पर मुगलों का अधिकार हुआ। लेकिन जब शाइस्ता खां एक दिन सो रहा था 1663 ईस्वी में, शिवाजी ने सोते हुए शाइस्ता खां को अटैक कर दिया। होता है कभी कभी चींटी हाथी चींटी को नहीं देखता। अब मामा जी भागे, औरंगजेब ने कहा मामा तुम अब किसी काम के नहीं हो, तुम बंगाल जाओ, घोड़े बेच करके सो रहे हो। ये औरंगजेब हाथियों पे अपना मिलिट्री प्रोसेशन निकाल रहा है, उसको दिखाया गया। इसके बाद फिर शिवाजी बड़े एक्टिव हो गए, गुजरात के सूरत और अहमदनगर को लूटा। औरंगजेब फिर जय सिंह और जलेर खां को दक्षिण भारत भेजा कि जाके कंट्रोल करो शिवा को, ये अफजल खां की हत्या, ये शाइस्ता खां को भेजना। जय सिंह और औरंगजेब की भीषण लड़ाई हुई, कलंदर की संधि हुई, शिवाजी के आधे से ज्यादा किले मुगलों के पास चले गए और बड़ा बेटा संभाजी भी मुगलों के पास चला गया। औरंगजेब ने शिवाजी को इनवाइट किया कि आकर के हमसे मिलो आगरा में, आगरा में मिलने भी गए लेकिन वहां उनके साथ वो दुर्व्यवहार किया। शिवाजी ने खरी खोटी सुना दी, इस चित्र में दिखाया गया, बीच दरबार में घुसकर औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार करके जयपुर भवन में बंदी बना लिया, अवसर पाकर के भाग गए। कुछ समय बाद शिवाजी ने औरंगजेब को एक और संधि प्रस्ताव भेजा और शिवाजी को औरंगजेब ने राजा मान लिया, राजा की पदवी दे दी, संभाजी को 5,000 का मनसब दे दिया। लेकिन यह शिवाजी की कूटनीति थी, धीरे धीरे शक्ति जुटा करके 2 साल बाद 1670 ईस्वी में मुगलों के किले पर अधिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया। कुंडाना जो बाद में सिंहगढ़ का किला बना, फिर पुरंदर सिंह में जितने खोए हुए किले सबके अधिकार कर लिया, सूरत को फिर मुगल कामयाब नहीं हुए। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे मराठा इतिहास में, अभी सिर्फ औरंगजेब के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। दक्षिण भारत में जो औरंगजेब की सोच थी कि इनको एक शक्ति के रूप में उभरने न दिया जाए, वो पूरी नहीं हुई। दक्षिण भारत में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना अभिषेक करवाया और स्वतंत्र हिंदू छत्रपति शासक के रूप में एक हिंदू मराठा राज्य की स्थापना की। 1680 तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई औरंगजेब इनको हरा नहीं पाया। तो ये औरंगजेब का पहला अध्याय था, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे। उस समय आपके समाप्त हुआ, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, पेपर 1 की क्लास में। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो मेरी डेली क्लास चलती है 8 बजे, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास और यूट्यूब सुबह कल भी 8 बजे होगी। हिस्ट्री की प्लस क्लास 6 बजे होती है, पेपर 1 की प्लस क्लास 9 बजे होती है। रेगुलर अपडेट के लिए आप सभी मेरे कम्युनिटी ऐप में ज्वाइन किए होंगे, सभी ज्वाइन है कम्युनिटी ऐप में, नहीं तो अपने उसमें जाकर के मेरा नाम टाइप करके कम्युनिटी ऐप में ज्वाइन कर सकते हो ऐप में जाकर। तो शत्रुघ्न विराम देते हैं।